डिसाइड कर लिया तो कर लिया, मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। जॉब तो मुझे अगले दिन ही मिल जाएगा, वही अमेरिका में। अरे अब तो घर का जा रहा है, मैं आर्मी में अकेला क्या करूंगा। मुझे कुछ बनना था, बनना था किसी की तरह, आपको सरनी चांटा मारा डांट, उस चांटे को इश्क कहते हैं। मुझे पता तू वहां खड़ी है, तड़प रही है फोन उठा ले। सर मेरे से नहीं होगा, मेरे पैर नहीं उठने। सर मदद कर दो, मेरे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। फेल अगेन एंड देन ट्राई अगेन, फेल अगेन एंड देन ट्राई अगेन। देखिए ये सातवां राउंड समाप्त कर दिया है। 25 किलोमीटर की ये दौड़ एक प्रोफेशनल एथलीट की तरह पूरी कर ली। इसी के लिए पैदा हुआ था मैं। इसी के लिए मरूंगा। लाइफ बहुत छोटी है दोस्तों, दिल से जी तो बहुत। सो गो ऑन, ब्रेक द रूल्स, फॉरगिव क्विकली, love truly, and never regret anything that made you smile. क्या सीख मिलेगी दर्शकों को फिल्म लाल सिंह चड्ढा से? क्या पता चला लाल सिंह चड्ढा के पोस्टर को देखकर? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा के वर्ष 1984 में हुए सिख दंगों पर आधारित होने की चर्चा है। आमिर खान अपने किरदार के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाने जाते हैं। अब उनकी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा अपने विषय के लिए चर्चा में है। पहले कहा जा रहा था कि आमिर खान की इस फिल्म में 1992 में हुए विवादित ढांचा विध्वंस की कहानी बताई जाएगी, जबकि अब इन खबरों को गलत बताया जा रहा है। अब चर्चा हो रही है कि यह फिल्म साल 1984 में भड़के सिख दंगों पर आधारित है। बताया जा रहा है कि फिल्म लाल सिंह चड्ढा अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस पर आधारित होने की खबर में है। कहा जा रहा है कि फिल्म का अधिकतर हिस्सा 1984 में हुए उन दंगों पर आधारित है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख समुदाय के खिलाफ दंगे भड़क गए थे। फिल्म के पोस्टर पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं। थ्री इडियट्स के बाद इस फिल्म में आमिर और करीना एक बार फिर से लीड रोल में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 6 ऑस्कर जीत चुकी हॉलीवुड मूवी फॉरेस्ट गंप का हिंदी रीमेक है। फॉरेस्ट गंप में मशहूर एक्टर टॉम हैंक्स ने लीड रोल प्ले किया था, जिसके ऑफिशियल राइट्स आमिर खान और वाइकॉम ने खरीद लिए हैं। पोस्टर में आमिर ट्रेन में बैठे नजर आ रहे हैं और उनके हाथ में मिठाई का डब्बा है। ऐसा ही कुछ पोस्टर फॉरेस्ट गम का था, जिसमें एक्टर टॉम एक बेंच पर बैठे हैं और उनकी गोद में चॉकलेट का डब्बा रखा है। यानी दोनों फिल्मों के पोस्टर में काफी समानता है, लेकिन आमिर की फिल्म की क्या कहानी भी फॉरेस्ट गम की तरह ही होगी? ये आमिर कहानी को ट्विस्ट देंगे, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। फॉरेस्ट गम में फिल्म के मुख्य किरदार फॉरेस्ट के जीवन की यात्रा देखने को मिली थी। फॉरेस्ट बचपन में ठीक से चल नहीं पाता और साथ ही मानसिक परेशानी के चलते उसकी पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पाती। इन सभी तकलीफों के बावजूद वो ऊपर उठता रहता है। फिल्म में टॉम एक बड़ा हिस्सा आर्मी में गुजारता है, एप्पल के शेयर्स खरीदता है और भी बहुत कुछ करता है। क्या आमिर भी फिल्म में ये सब करेंगे? पता नहीं। कहा जा रहा है कि इस फिल्म को इंडिया में 100 अलग अलग लोकेशंस पर शूट किया जाएगा। इनमें दिल्ली, गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे कई मेन शहर होंगे। चंडीगढ़ में तो फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। हाल ही में शूटिंग से आमिर की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें उन्होंने पगड़ी पहन रखी है और उनकी घनी दाढ़ी नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने लुक और किरदार पर 6 महीने तक काम किया है। क्या गजनी जैसे ये रीमेक भी हिट होगा? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही बॉलीग्रैड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की स्क्रिप्ट लिखी है संस्कृति जालान ने।